हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी कोठेवाला हूँ और आज इस वीडियो में मैं आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी कि आई पिल और अनवांटेड 72 के नाम से जाने जाने वाली इमरजेंसी पिल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी कि ये पिल्स आप कब ले सकते हैं, इनको कैसे लेना चाहिए, इनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊँगी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस जो आप लोगों के रहते हैं उनके आंसर्स। तो सबसे पहले इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कि हम नाम से ही समझ सकते हैं कि ये जो पिल्स हैं ये हमको रेगुलरली यूज़ नहीं करनी है, ये केवल इमरजेंसी पर्पज़ के लिए ही बनाई गई हैं और इनको इमरजेंसी पर्पज़ से ही यूज़ करना चाहिए। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स में गोलियाँ भी आती हैं और कॉपर टी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो गोलियाँ होती हैं, जो आई पिल और अनवांटेड 72 जो पिल्स होती हैं, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो काम मेनली जो उनका काम करने का तरीका है वो ओव्यूलेशन को स्टॉप कर देती है। जो आपका एवरी साइकिल जो एक फीमेल की बॉडी में से एग रिलीज़ होता है, अंडा रिलीज़ होता है, वो उसको ब्लॉक कर देती है, उसको रिलीज़ नहीं होने देती। तो उसके चलते जैसे वो आप लेंगे और ओव्यूलेशन को उसने ब्लॉक कर दिया, तो जैसे हस्बैंड का या फिर मेल पार्टनर का जो एग होता है, जो स्पर्म होता है, उससे वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता और इवेंचुअली प्रेगनेंसी नहीं लगती। लेकिन अगर ऑलरेडी ओव्यूलेशन हो चुका है, आपने उस जिस टाइम पे लिया आपका एग ऑलरेडी अगर रिलीज़ हो गया है, तो भी ये दवाई काम करती है, तब ये मेल और फीमेल के एग्स को फर्टिलाइज होने से रोकती है। लेकिन अगर ऑलरेडी प्रेगनेंसी लग चुकी है, आपने लेट कर दिया दवाई लेने में, तो फिर ये प्रेगनेंसी को हार्म नहीं करेगी। ऑलरेडी जो प्रेगनेंसी लग गई है उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं करती। और फिर आपको दूसरे अगर आपको कंटिन्यू नहीं करना है प्रेगनेंसी, तो आपको मेडिकल टर्मिनेशन या फिर दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई पिल और अनवांटेड 72 दोनों ही इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आपको ओवर द काउंटर किसी भी मेडिकल स्टोर पे इजीली अवेलेबल होती हैं। आप बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के भी इनको ले सकते हैं और इनकी प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल होती है, 90 रुपीज़ से लेके 120 तक ये आ जाती हैं। इनमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो इनका मेन सॉल्ट है, वो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होता है, लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल 1.5 mg। ये सेम लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बाकी की गर्भ निरोधक गोलियों में भी होता है, लेकिन वहाँ पे इसकी मात्रा बहुत कम होती है, 0.15 mg की मात्रा में ही होता है वहाँ पे, जबकि इमरजेंसी पिल्स में ये ऑलमोस्ट 10 times 1.5 mg की मात्रा में होता है। तो इसीलिए ये एक गोली ही सफिशेंट होती है आपकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो बात करते हैं इसको लेना कैसे है। तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, इसको आप कभी भी नहीं ले सकते, ये आपको 72 घंटे के अंदर अंदर ही लेनी है। जब भी आपका अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये इमरजेंसी पिल्स लेनी पड़ेंगी, तभी ये काम करेंगी। और 72 आवर्स में देखा गया है कि इसकी जो सक्सेस रेट है, अगर आप इस 72 आवर्स के अंदर अंदर ले लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 87-90% तक सक्सेसफुल होता है। लेकिन इसकी सक्सेस इंक्रीज भी की जा सकती है अगर आप इसको और जल्दी लेंगे। आप इसको इमीडिएटली आफ्टर द एक्ट, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हुआ है उसके तुरंत बाद अगर आप ये टैबलेट ले लेते हैं, तो इसकी सक्सेस 95-97% तक भी पहुँच सकती है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें कि 100% सक्सेसफुल नहीं होती टैबलेट्स, इनका भी फेलियर रेट होता है। और जितना जल्दी आप इसको लेंगे उतना ज़्यादा ये सक्सेसफुल रहेगी, जितना डिले आप करते जाएंगे 72 आवर्स के बियॉन्ड तो ये काम ही नहीं करेगी। बाकी 72 आवर्स में भी आप जितना जल्दी ले लेंगे उतना ज़्यादा इसकी इफ़ेक्टिवनेस रहेगी। एक सिंगल पिल आती है एक पैकेट में, उसको आपको नॉर्मली पानी के साथ जैसे बाकी टैबलेट्स लेते हैं वैसे लेना है, और इसका मैक्सिमम एक्शन 1.5 से 2 घंटे में देखा जाता है। तो इसके बाद अगर आपको वॉमिटिंग हो जाए बाय चांस, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है आगे। बट अगर इससे पहले हो जाती है, सपोज़ आपको 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर वॉमिटिंग हो जाती है, तो आपको ये टैबलेट रिपीट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। तो ये टैबलेट को लेना कब है,
तो जैसा कि हम सब समझ रहे हैं कि ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, ये रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है, इनको रूटीन में यूज़ नहीं करना है, केवल और केवल इमरजेंसी पर्पज़ से यूज़ करना है। तो इमरजेंसी पर्पज़ क्या होते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हम यूज़ कर सकते हैं जब एक लेडी का फर्टाइल पीरियड होता है, जिसमें मैक्सिमम चांस होते हैं प्रेगनेंसी लगने के, उस टाइम पे, और दूसरे किसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ ना करते हुए अगर आपने इंटरकोर्स किया है तो आपको ये इमरजेंसी पिल्स का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी किसी और दूसरे गर्भ निरोधन के साधन का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर वे से नहीं कर रहे हैं, कुछ गलत आपने यूज़ कर लिया है, गलत तरीके से यूज़ कर लिया है, जैसे कि अगर आप कॉन्डम का यूज़ करते हैं और कॉन्डम रप्चर हो गया, फट गया है या फिर स्लिप हो गया है, तो आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना चाहिए। अगर आप गोलियां लेते हैं, गर्भ निरोधन की गोलियां ले रहे हैं आप 21 दिन वाली, और उसमें पिल्स मिस हो जाती हैं, तो आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने चाहिए। अगर आप कॉपर टी या फिर कोई दूसरा, जैसे कि मल्टीलोड इंट्रायूटराइन डिवाइसेस आपने लगवा रखी हैं और किसी वजह से वो एक्सपेल आउट हो गई या फिर आपने निकलवा दी और उसके बाद आपने दूसरा नहीं लगवाया या दूसरा कोई और तरीका यूज़ नहीं किया बच्चा रोकने के लिए, और मीन वाइल अगर आपका इंटरकोर्स होता है तो आपको इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आप इंजेक्शन्स लगवाते हैं, जैसे कि अंतरा इंजेक्शन आता है मार्केट में, वो आप हर 3 महीने में लगवाते हैं और उसकी नेक्स्ट डोज आपने मिस कर दी, अगर 4 हफ्ते से ज़्यादा का गैप हो गया है आपकी डोजेज में, तो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको रूटीन में यूज़ नहीं करना है, आप इसको हैबिट नहीं बनाइए कि कुछ और यूज़ करना ही नहीं है और जब मर्जी आई तब ये टैबलेट ले ली, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 100% सेफ़ है। तो साइड इफ़ेक्ट्स में माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि सर दर्द हो गया, चक्कर आ गया, उल्टी हो गई या फिर हल्का फुल्का पेट दर्द हो गया, छाती में भारीपन हो गया, तो ये इसके माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ये गोली के साथ जैसे ही टैबलेट का इफ़ेक्ट जाता है, 7 डेज़ में टैबलेट जो है पूरी वॉश आउट हो जाती है बॉडी से, तो तब ये साइड इफ़ेक्ट्स भी चले जाते हैं। लेकिन इसके कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रॉबैक्स हैं, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ कॉज करना। ये हाई डोज जब आप लेते हो तब ये आपको विड्रॉल ब्लीड करवा सकता है, आपके पीरियड से पहले आपको स्पॉटिंग दिख सकती है या फिर आपका पीरियड डिले हो सकता है, टाइम से पहले भी आ सकता है, कुछ भी तरीके की इरेगुलरिटीज़ आप फेस कर सकते हैं पीरियड्स में। पेन आपको पहले अगर पेन नहीं होता था, इस टाइम पेन हो सकता है, या पहले पेन होता था तो हो सकता है इस बार पेन ना हो, किसी भी तरीके से वो इरेगुलरिटीज़ कॉज हो सकती हैं। तो ये बहुत ही कॉमन है इन टैबलेट्स के साथ, और विथ यूज़ जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये जब फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं इसको, एक हैबिट फॉर्मिंग हैबिट बना लेते हैं, तो ये जो पीरियड्स की इरेगुलरिटी वाला कॉम्प्लिकेशन है ये और ज़्यादा सामने आता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है। एक बार लेने से इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता पीरियड पे, लेकिन रेगुलरली अगर आप इसको यूज़ करते रहेंगे तो फिर ये ज़रूर डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपके पीरियड्स को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या मैं इसको बार बार यूज़ कर सकती हूँ? तो जैसे मैंने बताया, इसको रेगुलर हैबिट में नहीं लेके आना है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को आप अगर इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ के लिए आप संभाल के रखेंगे तो बेनिफिट भी मिलेगा और साइड इफ़ेक्ट्स भी कम होंगे, लेकिन अगर आप इसको हैबिट बना लेंगे, रेगुलरली यूज़ करेंगे, बहुत बार पेशेंट पूछते हैं कि मैं क्या हफ्ते में, दिन में 2 बार ले सकती हूँ, हफ्ते में 2 बार ले सकती हूँ इसको, तो ये कोई नॉर्मल गर्भ निरोधक गोली नहीं है, इसकी डोज बहुत ज़्यादा है, इसको आप रेगुलरली यूज़ नहीं कर सकते, ये आपके पीरियड्स पे इफ़ेक्ट डाल सकती है या आपके दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स भी इससे हो सकते हैं, तो डेफिनेटली इसको आप रेगुलर यूज़ में नहीं ले सकते। तो अगला जो क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि क्या मेरी अगली प्रेगनेंसी पे, इस बार मैंने कॉन्ट्रासेप्टिव, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव ले लिया है, तो क्या मेरी नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क पड़ेगा या फ्यूचर में कभी मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने बताया, ये 7 डेज़ में पूरा बॉडी से वॉश आउट हो जाता है, तो एज सच केवल ड्रग का, केवल
आई पिल या अनवांटेड 72 का डायरेक्टली आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन अगर आप इनको बार बार यूज़ करते हैं, एक हैबिट में ले आते हैं कि आप इनको यूज़ कर रहे हैं, कोई दूसरे कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ कॉज करते हैं। पीरियड्स आपके जो हैं कभी हो सकता है टाइम से पहले आ जाएँ, कभी टाइम से चढ़ के आए, तो उन कंडीशन में फिर इनडायरेक्टली प्रेगनेंसी लगने में प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन डायरेक्टली ड्रग का लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल या फिर आई पिल और अनवांटेड 72 का डायरेक्टली आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी फ्यूचर प्रेगनेंसीज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि बहुत कॉमनली देखा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं जो बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो उनको कई बार अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद लेनी पड़ जाती हैं टैबलेट। तो ये बिल्कुल सेफ हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, ना तो आपकी मिल्क की क्वांटिटी या क्वालिटी पे कोई फ़र्क पड़ने वाला है दवाई से, और ना ही बच्चे पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आप इसको इजीली ले सकते हो। एक क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं ओवरवेट हूँ या फिर मेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, तो एक गोली मेरे लिए सफिशिएंट रहेगी या मुझे कुछ और टैबलेट्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो बिल्कुल डेफिनेटली एक गोली आपके लिए सफिशिएंट नहीं रहेगी। जिसका भी वेट ज़्यादा होता है, जो गर्ल्स हैं जो ओबीस हैं, जो इनका बीएमआई 30 से ज़्यादा है, जो ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये डोज प्रॉपर नहीं है। ये आइडियल बॉडी वेट के लिए 1.5 mg सही रहती है, ये काम करती है। इसकी जो मैंने एफिशिएंसी बताई आपको 87% रहती है 72 आवर्स के अंदर लेने से। लेकिन अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आपको हायर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप अपने आप से ना लेके डॉक्टर से कंसल्ट करिए कि आपके लिए क्या डोजेज वैलिड रहेगी आपके वेट के अकॉर्डिंग। फिर एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे पीरियड्स पे फ़र्क पड़ेगा? तो जैसे मैं पूरे वीडियो में आपको समझाती आई हूँ कि एक ये पीरियड्स पे जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, बाकी साइड इफ़ेक्ट जिसके जो इमरजेंसी पिल्स के साइड इफ़ेक्ट हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ सेटल हो जाते हैं, जैसे पिल वॉश आउट होती है वो सेटल हो जाते हैं। बट पीरियड्स का जो इरेगुलरिटी है वो अगर हमने एक बार से फ़र्क नहीं पड़ता जनरली, लेकिन रेगुलर यूज़ में लिया है टैबलेट को, महीने में एक बार से ज़्यादा आप यूज़ कर रहे हो, या फिर आपने इसको हैबिट ही बना लिया है कि जब भी आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करना है तब आप ये टैबलेट ले लोगे और बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस कॉज कर सकती है और लॉन्ग रन में लंबे समय तक इरेगुलर पीरियड्स कॉज कर सकती है, जिसके चलते आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। ये अपने आप कई बार अपने आप सेटल नहीं होते इरेगुलरिटीज़, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आई पिल और अनवांटेड 72, बाकी अन्य इमरजेंसी पिल्स कब लेने चाहिए, लेने का टाइमिंग क्या होना चाहिए, सही तरीका क्या होता है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और उनसे रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस और आंसर्स। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि अगर कोई गलत तरीके से इन इमरजेंसी पिल्स का यूज़ कर रहा है तो उसके एजुकेशन में ये फ़ायदेमंद रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी हम वुमेन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज लेके आएंगे, आपको एजुकेट करेंगे। हमारे चैनल का मेन पर्पस है पेशेंट एजुकेशन, तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।